इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार से तीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी और तीनों के यहां से अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया जा चुका है। आगरा के जिन तीन बड़े जूता कारोबारियों के ठिकानों पर शनिवार के दिन से रेड चल रही है, वहां इनकम टैक्स की टीम ने 100 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। इनमें बीके शूज कंपनी, मंशु फुटवेयर और हरमिलाप शूज कंपनी शामिल हैं। इनकम टैक्स की टीम ने हरमिलाप शूज कंपनी के मालिक रामनाथ डंग के जयपुर हाउस वाले घर से लगभग 80 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं, तो साथ ही करोड़ों रुपए की पर्चियां भी बरामद हुई हैं। कैश और डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स की टीम अपने साथ ले गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जयपुर हाउस में से D12 कोठी है और ये रामनाथ डंग की है। यहीं पर ही रामनाथ डंग अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसी कोठी के अंदर से करोड़ों रुपए का कैश मिला है। कहा जा रहा है कि जिन कारोबारियों के यहाँ छापा पड़ा है, उनकी कंपनी मुख्य रूप से छोटे विक्रेताओं के साथ नगद में काम करती थी। इसके लिए कंपनी पर्ची सिस्टम का इस्तेमाल करती थी। पूरा काम ब्लैक में होता था। पर्चियों के जरिए ही हिसाब किताब रखा जाता था। बिल का भी इस्तेमाल नहीं होता था। रियल एस्टेट और बड़ी लैंड डील से जुड़े कागजात भी मिले हैं। खबर है कि बिस्तर और गद्दों में भी कैश छिपाया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि तीनों जूता व्यापारियों को मिलाकर कैश का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर गया है। रविवार के दिन ही रामनाथ डंग के घर से 40 करोड़ से ज्यादा रकम मिल गई थी। देर रात तक कैश गिनने का सिलसिला जारी था। पैसे गिनने के लिए 8 से लेकर 10 मशीनें मंगवाई गई थी। साथ ही साथ आयकर विभाग के अधिकारियों को जमीन और ज्वेलरी की खरीदारी से संबंधित कई अहम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। टीम ने इनकम टैक्स की चोरी, आय से ज्यादा संपत्ति की सूचना मिलने के बाद छापेमारी को अंजाम दिया था। टीम ने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने कब्जे में ले ली है और मालिकों से पूछताछ हुई है। आगरा से न्यूज 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे।